अपना गुरु श्रेष्ठ। दुनिया में अनेक गुरु हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक एक गुरु को मानते हैं, बाद में दूसरे गुरु को मानने लगते हैं। समय समय पर वे पंथ बदलते रहते हैं। साईं ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अपना गुरु अपना ही गुरु होता है। अपने गुरु का दामन थामे रखो, वो अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो आइए अपना गुरु श्रेष्ठ होता है का गायन और पारायण करते हैं। एक दिन लेंडी बाग को परम भक्त के साथ, पुलकित मन से जा रहे सदगुरु साईनाथ। गेरु हाथ में ले लिया बोले कृपा निधान, पहनेंगे हम आज ही भगवा पट परिधान। बाबा ने जो कुछ कहा समझ सका ना कोई, गेरु गेरुआ वस्त्र का किससे ताल्लुक हो। साईं लेंडी बाग से आए मस्जिद द्वार, वक्त आरती का हुआ भक्त खड़े तैयार। साईं विराजे टाट पर मुख पर झलके हास, बोले बूटी जा भी उस ब्राह्मण के पास। अग्निहोत्री गोत्र है मूले उसका नाम, चलकर नासिक से अभी आया शिरडी धाम। ला उससे तू दक्षिणा कर मेरा यह काज, बूटी कानों में पड़ी साईं की आवाज। बूटी ने पालन किया साईं का आदेश, सुबह सुबह ही हो गए ब्राह्मण सम्मुख पेश। साईं के आदेश को सुना दिया तत्काल, पहले दे दो दक्षिणा पीछे पूछो हाल। ब्राह्मण अचरज में पड़ा देखी लीला खास, बड़े बड़े धनवान भी हैं साईं के दास। मूले के मन में उठा तत्क्षण एक सवाल, साईं मुस्लिम जाति के मैं ब्राह्मण का लाल। ब्राह्मण कैसे दे सके मुस्लिम को कुछ दान, यह तो बिल्कुल ही हुआ ब्राह्मण का अपमान। आखिर में कुछ सोच कर निश्चित किया विचार, जाना मुझको चाहिए पहले साईं द्वार। रखी दक्षिणा जेब में साथ लिए कुछ फूल, झोंका आता वक्त का उड़ जाती सब धूल। मूले बूटी चल पड़े बाड़े से एक साथ, पहुँचे मस्जिद द्वार पर जहाँ थे साईं नाथ। मूले आए सामने साईं से कुछ दूर, भक्त जनों की भीड़ थी मस्जिद में भरपूर। मूले मानस में उठा फिर से एक विचार, पगड़ी साईं पांव में कैसे रखूं उतार। ब्राह्मण होकर मैं धरूं उन चरणों में शीश, संभव ना है ये कभी क्षमा करो ममतीश। लेकिन फिर कुछ सोच कर किया अनोखा काम, फूल फेंक अर्पित किया जय हो साईं राम। मूले ने देखा तभी श्री साईं की ओर, गुरुवर घोलप थे वहां हो गए भाव विभोर। भक्तों ने देखा वहां बैठे साईं नाथ, मूले को गुरु दीखते जिन्हें झुकाते माथ। गुरुवर दर्शन की मिली मूले को सौगात, कैसे संभव यह हुआ कि अचरज की बात। वर्षों पहले कर चुके वे जग से प्रस्थान,
बैठे हैं साक्षात वे तन का तान वितान। ज्ञात करूंगा मैं इसे आखिर क्या है बात, देख रहा हूँ स्वप्न में या है ये साक्षात। एक चिकोटी काट कर मूले ने की जांच, मगर हकीकत पर कभी आ पाई ना आंच। दिख रहे थे सामने गुरुवर गोलपनाथ, चरण कमल में धर दिया मूले ने निज मात। गोलप की पहचान थी भगवाधारी वेश, दंड कमंडल हाथ में उलझे बिखरे केश। साईं तो सर्वज्ञ हैं सब कुछ उनको ज्ञात, बाबा ने संकेत में पहले कह दी बात। मूले ने की वंदना और उठाया शीश, साईं बैठे थे वहां देने को आशीष। दृश्य अनोखा देख कर वे थे भाव विभोर, मानो चंदा देख कर हर्षित हुआ चकोर। साईं लीला देख कर गर्व हो गया चूर, जात पात के भेद को किया साईं ने दूर। ऊंचे कुल में जन्म हो करता नीची बात, कह सकते ना हम कभी उसे एक सम्राट। छोटे कुल में जन्म हो करता कार्य महान, जिसका कुछ अवदान हो वही उच्च इंसान। जाति बड़ी होती नहीं बड़ा जगत में काम, देते बोध प्रबोध ये सबको साईं राम। मूले ने दर्शन किए और झुकाया शीश, अर्पित कर दी दक्षिणा मिला उसे आशीष। सरिता फूटी भक्ति की शुष्क हृदय को चीर, अश्रु धारा प्रेम की बहा नयन से नीर। फेंके जिसने दूर से नीरस मन से फूल, स्वयं पुष्प वह बन गया भेद भाव को भूल। मूले ज्योतिष शास्त्र का था प्रकांड विद्वान, सामुद्रिक का था उसे अच्छा खासा ज्ञान। साईं चरण लकीर को लेखन की थी आस, नहीं दिखाई साईं ने उसे बिठा कर पास। लख ली साईं नाथ ने मूले की तस्वीर, लिख दी अपने हाथ से एक नई तकदीर। अपने गुरु में आस था रखो अटल विश्वास, उनके चरणों में धरो अपनी हर एक सांस। चाहे जितनी हो भले अन्य गुरु की शान, होता अपना ही गुरु अपना अखिल जहान। अपना गुरु ही सर्वदा देगा तुझ पर ध्यान, होगा उसके हाथ से जीवन का कल्याण। कीर्ति चाहे अल्प हो निज गुरु को दे मान, चलो उसी की लीक पर क्षीण करे सब त्राण। ज्ञान पूज्य है लोक में नहीं पूज्य है वेश, सदगुरु साईं ने दिया हमें यही संदेश। सदगुरु साईं ने दिया हमें यही संदेश, सदगुरु साईं ने दिया हमें यही संदेश।